ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराशिमद्भागवतम् पांचवा स्कंद छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप। श्लोक क्रमांक एक। इस श्लोक को गाया नहीं जा सकता जिस प्रकार से हम लोग गाते हैं श्लोक को। राजोवाचन नूनम भगव आत्मा रामानाम योग समी समीरित ज्ञाना ज्ञानाव भर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेश क्लेशदानी भवितुम अर्हति यद्रिच्छयोपगतानी। शब्दात् राजोवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, न नहीं नूनम निसंदेह भगवः हे सर्वशक्तिमान सुखदेव गोस्वामी। आत्मा रामाणाम भक्ति में रत विशुद्ध भक्तों का, योग समीरित योग साधना से प्राप्त, ज्ञान ज्ञान से अवभर्जित दग्ध कर्म बीजानाम कर्म रूपी बीजों का, ऐश्वर्याणी योग शक्तियों से पुनः फिर क्लेशदानी क्लेश के कारण भवितुम होने में अर्हन्ति समर्थ हैं, यद्रिच्छया स्वतः स्वयं ही उपगतानि प्राप्त हो जाती हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रेयसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं, उन्हें भक्ति योग के ज्ञान प्राप्त से भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं। इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभदेव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? तात्पर्य, शुद्ध भक्त
भगवान की निरंतर सेवा करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे स्वतः प्राप्त होती रहती हैं। यद्यपि इसे योग शक्ति के फल स्वरूप माना जा सकता है, कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी तुच्छ योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं जो जानबूझकर ऐसे तुच्छ मनुष्य को भगवान मान बैठते हैं। ऐसा योगी अपने को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना योग साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में ऋषभ देव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार किया। इसलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभ देव ने भक्त के लिए बाधक न होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया। भक्त ये ऐश्वर्य से न तो घबराता है और न प्रसन्न होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए। यदि भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है। वह ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रश्न से पहले जो यहाँ परीक्षित महाराज ऋषभ देव से पूछ रहे हैं, मैं पिछला श्लोक पढ़ता हूँ जिससे हमको समझ में आएगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया। तो पिछले श्लोक में ऋषभ देव कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं पिछले श्लोक में कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के अंश भगवान ऋषभ देव ने समस्त योगियों को योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे। जो हजारों गुणा बढ़ गया था, वसुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं, फलतः भगवान ऋषभदेव रोने, हंसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। वे दिव्य प्रेम में सदैव मग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती।
यथा मन की गति से आकाश गमन, ये अलग अलग योगी शक्तियों की बात हो रही है, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सब को कर सकने में समर्थ थे किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। ऐसा शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हालांकि ऋषभदेव महाराज भगवान के अंश होने के नाते उनके पास सब योगिक शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन शक्तियों को इस्तेमाल नहीं किया। तब परीक्षित महाराज का प्रश्न आया कि ये तो भगवान कि जो परिपूर्ण विमल हृदय हैं उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता, तो फिर ऋषभदेव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? उन योगिक शक्तियों को स्वीकार या उनको प्रकट क्यों नहीं किया? आप में से कितनों ने ये अध्याय हाल ही में अध्ययन किया है? किसने नहीं? फिर ये प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि आपका क्या कहना है? एक शुद्ध भक्त जो कुछ भी चीज़ भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है, तो योगिक शक्तियों को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है? तो ऋषभदेव ने उन योगिक सिद्धियों का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? उन्हें इस्तेमाल भगवान की सेवा में क्यों नहीं किया? क्या वो कर सकते थे? कर सकते थे, फिर भी नहीं किया। आपका क्या मत है? एक बार जो आप में से उत्तर देना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है दो तीन लोग एक साथ बोलने लग जाएं, तो आप हाथ उठाएं अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। हाँ प्रभु जी बोलिए। भगवान हमेशा एक, हाँ बोलिए, आचरण प्रस्तुत करते हैं जिससे दूसरे लोग उसको फॉलो कर सकें। तो एक, हाँ कहते हैं यज्ञ आचरण की श्रेष्ठता तत्व की ओर देना, बिल्कुल सही। तो भगवान एक ऋषभदेव एक आचरण प्रस्तुत करते करना चाहते हैं कि इस प्रकार की शक्तियाँ भगवान की सेवा में ना लगाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हो सकता है और दूसरों के लिए ये हर एक के लिए करना संभव ही नहीं है। इस प्रकार की योगी शक्तियाँ हर भक्त के लिए करना संभव ही नहीं है, उनकी आवश्यकता भी नहीं। तो जब भक्तों के लिए संभव, साधारणतः भक्तों के पास योगी सिद्धियाँ कहाँ होती हैं? तो अगर भगवान उदाहरण दिखाते, एक आश्चर्यजनक उदाहरण दिखाते, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तो फिर भी भगवान ने तो किया। ये ऋषभदेव भगवान के तो अवतार हैं, तो भगवान कर सकते तो ऋषभदेव, साधारण व्यक्ति की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। यही तभी देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे हम परीक्षित महाराज के प्रश्न की गंभीरता को समझें। ऐसे ही उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि कुछ जिज्ञासा उठी। एक्चुअली ऋषभदेव योग्य थे, और इसमें कोई इतना भी गलत उदाहरण नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि साधारण तो उसको नकल कर ही नहीं सकते। योगी सिद्धियां तो होनी चाहिए नकल करने के लिए। कितने लोगों के पास योगी सिद्धियां आज के समय में होती हैं? बात आपकी बिल्कुल सही बात है, टाइम वेस्ट है योगी सिद्धियों का प्रदर्शन करना एक तरीके से, लेकिन भगवान की सेवा में इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे हनुमान जी ने लगाया। जड़ी बूटी चाहिए थी, उन्होंने अपनी योग सिद्धि की शक्ति से उड़ के गए, लेके आए, भगवान की सेवा में लगाया जब आवश्यकता थी। तो भगवान की सेवा में जरूरी लोगों को दिखाने के लिए, जब जरूरत होती कोई सेवा करने के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन आपका बहुत अच्छा सोच है, आपने जो उत्तर दिया अच्छा सोच के दिया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ प्रभु जी, तो योग सिद्धि का उदाहरण दिखाते तो लोगों को लगता है वही रास्ता अपनाएं। तो एक तरीके से प्रभु जी आपका उत्तर को ही आगे चला रहे हैं कि वो गलत उदाहरण नहीं दिखाना चाहते थे ये कहकर कि ठीक है भक्ति, लेकिन योग शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो ये उदाहरण नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि भक्ति की शक्ति से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जो भी उसे आवश्यक है भगवान भक्ति से ही हमें प्रदान कर देंगे, उसके लिए हमें योग शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके पास हैं वो उनको भगवान का गुणगान करने में अगर उपयोग करे, जिससे भगवान का और गुणगान हो, भगवान का प्रचार बढ़े, समझिए आपके पास योग शक्ति है, कोई बहुत शुद्ध व्यक्ति है उसके पास योग शक्ति है कि वो एक साथ 200 प्रवचन दे सकता है। अब इतना ट्रैवलिंग का टाइम बच जाएगा, अलग अलग जगह प्रकट होकर 200 एक साथ 200 प्रवचन या 500 प्रवचन दे दे, कितना प्रचार बढ़ सकता है। एक एक भक्त के पास ऐसी शक्तियाँ आ जाएँ, या ट्रैवलिंग करने के लिए अब आपको इतना टाइम लगाना पड़ता है आज के समय पे, यहाँ से अमेरिका जाना है आपको 24 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ी कम से कम, योग शक्ति से एक मिनट में पहुँच जाएंगे, और कितना सेवा करके वापस 24 घंटे में, तो इतना सेवा हो जाएगी आपकी। तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल तो की जा सकती है, क्यों नहीं किया करते भक्त। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर इस प्रकार की योग सिद्धियाँ नहीं दिखलाए, बहुत रेयरली कभी कभार प्रदर्शन किया तो किया। प्रचार में इस्तेमाल तो किया जा सकता है योग सिद्धियों को, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जा सकता है योग सिद्धियों के माध्यम से, और इस तरीके से कि योग सिद्धि का प्रचार नहीं होगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, लेकिन योग सिद्धि को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आज के टाइम में हम अलग अलग ऐसे मशीनें इस्तेमाल करते हैं, तो मशीनों का प्रचार थोड़ा ना हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है माइक, देखिए आप इससे कितना प्रचार हुआ है, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। ऐसे योगिक शक्तियों को इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके से कि प्रचार किसका हो रहा है, भगवान का, उस पर जोर आए और योगिक शक्तियों पर ध्यान ही ना जाए। तो ऋषभदेव तो इतने एक्सपर्ट हैं, वो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और बताइए। हाँ, जब सर्वसाधारण का जो लोग होते हैं वो बाहरी दृष्टि होती है उनकी, तो उनके हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं इच्छाएं होती हैं, तो उसकी वजह से यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की योगिक सिद्धियां दिखाएगा तो उससे वो आकर्षित होगा, ना कि वो जो संदेश दे रहे हैं या जो भक्ति का मार्ग का बता रहे उसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका हृदय अभी शुद्ध नहीं है, तो इसकी वजह से वो बस हाँ कितने अच्छे कला है या कितनी अच्छी शक्ति है, तो उसके बारे में ही वो सोचता रह जाएगा, और जो देना चाहते हैं भक्ति का संदेश उसको ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि उसके हृदय में अभी भौतिक इच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये यौगिक सिद्धियों से आप भावुक ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे अनुयायी आपके पास आएंगे जो भक्ति के लिए नहीं आ रहे आपके पास, उन यौगिक सिद्धियों से जो लाभ उनको मिल सकता है उन लाभ को प्राप्त करने के लिए आएंगे। भगवान गीता में बतलाते हैं किस प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, अधिकतर यही कैटेगरी होते हैं, ज्ञानी तो बहुत ही कम होते हैं, और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, आर्त या अर्थार्थी। तो आर्त और अर्थार्थी में से भी सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, आर्त, परेशानी में भगवान के पास आते हैं, तकलीफ में भगवान के पास आते हैं। तो जहाँ ही उनकी तकलीफ दूर हुई, हरे कृष्णा, फिर भगवान क्यों चाहिए अभी। तो योग सिद्धियों से जो लोग आकर्षित होंगे
अगर भले ही भक्ति का प्रचार हो रहा है उस योग सिद्धियों के माध्यम से, लेकिन जो लोग आकर्षित होंगे वो योग सिद्धि के कारण उस व्यक्ति से आकर्षित होंगे, ना कि इसलिए वो भक्त है। तो उनका प्लेटफॉर्म शुरुआत में ही गलत हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम क्यों भक्ति में आते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि हम क्यों आते हैं भक्ति में, कुछ समय बाद उसका उद्देश्य चेंज हो जाता है। शुरू में हो सकता है हम, जैसे कई लोग भक्ति में आए इस्कॉन संस्था में प्रसाद के, प्रसाद से आकर्षित होकर, इतना बढ़िया प्रसाद मिलता है यहाँ पर फ्री में, या कुछ लोग सुंदर कीर्तन से आकर्षित होकर, भगवान से आकर्षित नहीं हुए, किसी और चीज़ से आकर्षित हुए, और फिर धीरे धीरे उनका उद्देश्य चेंज हो जाता है। लेकिन योग सिद्धि एक ऐसी चीज़ है जिससे जो लोग आकर्षित होंगे वो उस योग सिद्धि से जो उनको लाभ मिल सकता है उसके कारण होंगे, भक्ति के लिए नहीं। कहने का अर्थ है कि अधिकतर, जैसा आपने पॉइंट बोला कि लोग भौतिक इच्छा रखते हैं, उनको लगेगा इस व्यक्ति की शक्ति के माध्यम से मेरी अगर भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो रही है तो उसको फॉलो किया जाए, अच्छा है ये व्यक्ति, इसको फॉलो करना अच्छा रहेगा, हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं इससे। क्योंकि लोग प्रभुपाद जी के पास भी लोग आते थे, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, प्रभुपाद जी बोलते थे, उदाहरण देते थे, आशीर्वाद दीजिए मतलब क्या, हमारी इच्छा पूरी करिए, आशीर्वाद दीजिए मतलब ये नहीं मुझे भगवान से जोड़िए, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। अधिकतर लोग भक्ति में जो आते हैं, और हो सकता है भक्ति में चल रहे हैं, अभी भी भक्ति कर रहे हैं इस मनोकामना से, इस इच्छा से कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और जब हम गुरु पूजा में गाते हैं ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भक्ति करना। हालांकि पूर्णतः गलत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है ये कि लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही आएंगे शुरू में तो, लेकिन जैसे जैसे उनको ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो ये उद्देश्य बदलना चाहिए। हम इसलिए नहीं टिके होना चाहिए भक्ति में कि एक दिन मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, या कम से कम अपनी इच्छाओं को हम चेंज कर लें फिर समय के साथ, ज्ञान के साथ। जैसे ध्रुव महाराज शुरुआत में तो आए थे किसी और इच्छा से, लेकिन नारद मुनि के आदेश को पालन करते करते उनकी इच्छा ही बदल गई, कि मेरे को अभी राज्य चाहिए ही नहीं, मेरे को तो भगवान आप चाहिए। तो जैसे जैसे हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आना चाहिए, भौतिक इच्छाएं खत्म होती रहनी चाहिए और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़नी चाहिए। ये एक ज्ञान का लक्षण है, इस बात का लक्षण है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में उतार रहे हैं। ये एक परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए समय के साथ, जैसा जैसा हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक भक्त का एक वो रहना चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए जानकारी लेने के लिए, कैसे समझ में आए हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ये एक तरीका है कि भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ रही हैं। नहीं तो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम भक्ति में टिके रहेंगे और क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा हमें, हताशपन ही मिलेगा कि भगवान हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति नहीं करेंगे, ये भगवान की कृपा है कि हम जो मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं उसको भगवान कभी कभी जानबूझकर नहीं देते। जैसे एक कृपालु पिताजी, बच्चा कुछ गलत चीज़ मांगता है जो उसके लिए हानिकारक है, उसको पिताजी एक शराब की बॉटल चाहिए, ये लीजिए 1000 रुपये, तो पिताजी उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, एक झापड़ मारेंगे या डांटेंगे उसको, ये उनका प्रेम है। तो योग सिद्धियाँ इसके प्रदर्शन से अनवांटेड ऑडियंस, ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपके सिर पर चढ़ के तांडव करेंगे, यानी आपको बहुत कष्ट प्रदान करेंगे। तो ऐसी ऑडियंस अट्रैक्ट ना करने के लिए, ऐसे भावुक लोगों को आकर्षित ना करने के लिए भक्त कभी कभी योग सिद्धि नहीं दिखलाते,
उनके पास होती है भक्ति की शक्ति से, भक्तों के पास योग सिद्धि भगवान प्रदान करते हैं कि अगर वो चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकअप पे रखते हैं भगवान, कभी इस्तेमाल करना हो तो कर सकते हैं आप। लेकिन भक्त उसका प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि उससे बहुत गलत लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो जो सही लोग हैं, जो सही कारण से आए हैं, वो भी, उनका भी मन परिवर्तित हो सकता है, या वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। और भावुक लोग भारत में तो खासकर, कोई व्यक्ति जो हमने सुना है, कई बार लोग हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं, हजारों की संख्या में उनके पास लोग आते हैं। सिद्धियों का मतलब केवल ये वाली सिद्धियां नहीं जो गायब हो जाना, पानी पर चलना। आप एक भौतिक स्तर पर देखें, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गाता है, बहुत सुंदर नृत्य कर सकता है, वो भी एक प्रकार की सिद्धि ही है। जो जन साधारण से किसी के पास कुछ श्रेष्ठ गुण है भौतिक स्तर पे, वो गुण होना भी एक तरीके से डेंजरस होता है भक्त के लिए। भक्त जल्दी से उनका प्रदर्शन नहीं करता। तो यहां एक एक लेवल है योग सिद्धि का, इस प्रकार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां जो होती है, गायब हो जाना, एक जगह बैठे बैठे किसी दूर की चीज को पकड़ कर लेके आना, ये तो बहुत बड़े स्तर की योग सिद्धि है। हवा में उड़ना, हमारे कई आचार्य जैसे रसिकानंद प्रभु थे, कभी कभी वो डंडा लेकर उस पर उड़ जाया करते थे। ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हैं हमारे वैष्णव आचार्यों के उदाहरण से, उन्होंने कभी कभी योग सिद्धि का प्रदर्शन किया किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसा हैदराबाद में जब बारिश नहीं होती, श्री प्रभुपाद जी गए वहाँ, कीर्तन किया, बारिश हो गई। ऐसा नहीं कि जब हमेशा प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे तो बारिश होती थी। भगवान ने ऐसा प्रदर्शन किया ये दिखलाने के लिए कि ये स्वामी साधारण नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात आती है, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को गुणगान करने के लिए ऐसा कुछ कर देते उनके माध्यम से कि लगता है ये तो योग सिद्धि से हो रहा है, ये कोई सिद्धि है इनके पास, सिद्धि पुरुष है ये तो। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कभी कभी भक्ति की शक्ति से कुछ भक्त ऐसा कर देता है जो, जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया, विदेश में जाकर प्रचार किया, 12 सालों में 100 मंदिर बनाए। हमारे लिए 100 साल में 12 मंदिर बनाना मुश्किल है एक साधारण व्यक्ति के लिए, वो भी 70 साल की उम्र में जाकर। ये सब एक साधारण चीज है, योग सिद्धि एक तरीके से कही जा सकती है, एक तरीके से देखा जाए तो। तो योग सिद्धि को एक तरीके से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ गुण होना, ये अपने में एक खतरा बन सकता है। भक्त बहुत रेयरली ऐसे गुण, डिपेंड करता है कितना श्रेष्ठ गुण है। छोटा मोटा श्रेष्ठ गुण है, कोई व्यक्ति बहुत पुस्तक वितरण कर सकता है, बड़ा एक्सपर्ट है, मैं एक भक्त को जानता हूँ, 2 घंटे पुस्तक वितरण कर जाते हैं, 150, 200, 250 पुस्तक आराम से डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, 50-60 भगवद्गीता और 200-250 छोटी बुक्स, जब भी वो जाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे में इतना करके आ जाते हैं, 5-7 भक्तों के बराबर का वो अकेले करके आते हैं। जितने 10 भक्तों मिलकर करेंगे वो अकेला रेगुलरली करते हैं, विशेष उनके पास कुछ सिद्धि है, ये जो बोलते हैं लोग उनसे आकर्षित होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं पुस्तक को। तो भक्त लोग को भगवान कभी कभी ऐसा कुछ ऐसी शक्ति देते हैं जो साधारणतः लोगों के पास नहीं होती। नहीं, जैसा आप प्रभु जी बतला रहे थे, इसमें खतरा है। अब यहां शुद्ध भक्त की अगर बात हो रही है या भगवान की अवतार की बात हो रही है, तो उनको ये खतरा इतना नहीं है, लेकिन हम जैसे भक्तों के पास थोड़ी सिद्धियां होना, ऐसा कुछ गुण होना जो दूसरों के पास नहीं है, खतरनाक हो सकता है। क्यों? हाथ उठाइए, क्यों खतरनाक हो सकता है? हमारे जैसे भक्तों के लिए कुछ, हमारे पास कुछ साधारण भक्तों से ज्यादा श्रेष्ठ गुण होना, अहंकार आ सकता है, जो सबसे बड़ा भक्ति में बाधक है। और हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध अवस्था में आपको आपके पास जो स्पेशल गुण है उससे, देखिए स्पेशल गुणों से क्या होता है, आपके पास यश आता है। भगवान का भक्त यश
से दूर भागता है। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, समझना। भक्त कभी यश नहीं चाहता, जैसे हमने माधवेंद्रपुरी के जीवन से देखा, जब उनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराई, ये यश फैलने लगा, तुरंत वहां से भागे, वो छुप गए जाकर कि पता न चल जाए भक्तों को कि यही माधवेंद्रपुरी है। तो भक्त कभी यश की आकांक्षा नहीं करता, क्यों? एक अहंकार आता है यश से। और क्या प्रॉब्लम आती है यश से? हाँ, यश, यश, अभी यश की बात हो रही है। योग सिद्धि से यश आता है, कोई आपके पास स्पेशल सिद्धि है तो उस यश से क्या खतरा हो सकता है? एक बताया प्रभु जी ने, अहंकार आ सकता है। एक साधारण भक्त के लिए बात हो रही है, हम जैसे भक्तों के लिए जो भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या खतरा आ सकता है यश से? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे कृष्णा, भक्ति में क्या बाधा आती है, वही तो बात हो रही है। एक अहंकार है, अहंकार भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है यश से? क्या प्रॉब्लम आ सकती है यश से? इन्होंने उत्तर नहीं दिया, उनसे पूछना चाहता हूं। बहुत प्रॉब्लम देने वाला है ये शब्द। हाँ जी, भक्ति से पतन क्यों हो सकता है, वही तो पूछ रहे हैं। क्यों पतन हो सकता है, क्यों खत भक्ति में बाधा, क्या क्यों भक्ति में खतरा है यश से? एक साधारण व्यक्ति के लिए, अभी शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही। शुद्ध भक्त यश को डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी का जीवन देखें आप, कितना यश मिला प्रभुपाद जी को, व्यंकारित नहीं हुए, उनका भक्ति से पतन नहीं हुआ। गलत प्रयोग हो गया, बात दूसरी बात आपने बोली। उस यश का गलत प्रयोग कर सकता है, बहुत सारे उदाहरण है इसके, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से गलत प्रयोग हो सकता है उसका। उस यश को अपने लाभ, अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकता है, वो धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए उपयोग कर सकता है। अलग गलत उपयोग बहुत सारे हैं जो हम आजकल सुनते हैं। ये सब बातें कोई हवा में हम नहीं कर रहे, ये तो देखते हैं लोग जो योग्य नहीं हैं, अयोग्य व्यक्ति यश जिसको मिलता है, कितने गलत गलत तरीकों से उपयोग होता है। और कोई कारण यश क्यों डेंजरस है भक्तों के लिए? हाँ प्रभु जी, मूल उद्देश्य से भटक जाएगा, भक्ति रहना छूट जाएगी इसकी। बहुत बड़ा खतरा है ये, सही बोल रहे हैं प्रभु जी आप। जिसके लिए भक्ति में आया था भगवान की प्राप्ति के लिए, यश मिलने के साथ उस यश में इतना वो चकाचौंध में अंधा हो जाएगा वो, कि जिस पथ पे चल रहा था वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। एक और ये खतरा है जिसमें माता जी ने जो बोला कि भक्ति से गिर सकता है वो, तो इस कारण से भी गिर सकता है कि मूल उद्देश्य लक्ष्य जो था वो चले जाएगा। और क्या? हाँ, डूअरशिप यानी करता हम भाव। जब यश आता है, कह सकते हैं करता हम भाव तो बिना यश के भी आ जाता है, वो तो हमारा एक बड़ा ही निजी और व्यक्तिगत मित्र है जो हमें कभी छोड़ कर नहीं जाता। करता हम भाव, हाँ वो अहंकार। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम होती है, जब आपको जब पूछा जाए तब बोलेंगे, नहीं तो क्या होता, तीन चार भक्त लोग साथ में बोलेंगे तो किसको सुनाई नहीं देगा क्या हो रहा है। हाँ प्रभु जी, लास्ट। हाँ, ये तो वही अहंकार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है, यश जितना यश मिलता है उतना वो सोचता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ मैं, और फिर धीरे धीरे अपने आप को भगवान ही समझ बैठता है वो। और अनुयायी भी ऐसे मिल जाते हैं उसको, उसके पास योग सिद्धि के कारण, जो उसको खूब उसका गुणगान करते हैं, उसके चौथरा घूमते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, और उसको
भगवान ही विश्वास दिला देते हैं उसको कि आप ही हैं सर्वे सर्वा, जैसे प्रभा जी बोलते हैं, छोटा सा व्यक्ति को भी भगवान का दर्जा दे देते हैं। एक्चुअली यश से आज के समय में खासकर मैं कई ऐसे भक्तों से मिला हूँ जो बहुत यशस्वी हैं, तो अपना वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि प्रभुपा जी भागवतम लिखते हैं भौतिक जगत में खासकर कलयुग में हर व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, तो यश से ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या को चाबी मिलती है। शेर सो रहा है उसको सोने दीजिए, उसकी पूछ मत मरोड़िए। तो कई लोग हैं अपने ईर्ष्यालु हैं, चुपचाप बैठे, आपका यश उन चुपचाप बैठे ईर्ष्यालु लोगों की ईर्ष्या को करेगा और वो ईर्ष्या से प्रोत्साहन प्राप्त करके व्यक्ति कितनी भी हद तक जा सकता है आपके विरुद्ध। हमारे आचार्यों को आप लाइन से देख लीजिए, कितने सारे भक्ति में बाधाएं आईं, उनकी भक्ति के प्रचार में बाधाएं आईं दूसरे लोगों की ईर्ष्या के कारण। सहन नहीं होता लोगों से किसी व्यक्ति का यश बढ़ रहा है, उनसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और आज के समय में जो इंटरनेट का एज है, आप ना चाहते हुए भी आपका यश फटफट फैलता है। अभी देखिए क्लास को कहाँ कहाँ ये इंटरनेट के माध्यम से जाती है, डर लगता है मेरे को तो ऐसा करने में। ठीक है प्रचार भी हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं हो रहा ये प्रचार। मैं ऐसे भक्तों के उदाहरण जानता हूँ जिनके ऐसे ही प्रवचन उनके झगे झगे जाते हैं, उससे उनको कितने डेथ थ्रेट लेटर्स मिलते हैं, लोग धमकियां देते उनको जान से मारने के लिए। उनको सहन नहीं हो रहा है इस व्यक्ति का प्रचार इतना क्यों बढ़ रहा है, और जो करने वाले हैं वो भी प्रचारक ही हैं। वो मौका ढूंढ रहे हैं कैसे इस व्यक्ति को कहां पकड़े, ये भक्त को पकड़ के इसको मारे। जान को भी खतरा हो सकता है आज के युग में खासकर। एक तो ईर्ष्या इतनी भरी है लोगों के पास, ऊपर से इंटरनेट के माध्यम से इतना जल्दी से यश बढ़ जाता है, नहीं तो पहले धीरे धीरे बढ़ता था यश। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बुरा करते करते धीरे धीरे उसका यश फैलता था, इतनी जल्दी से नहीं फैलता था। माधवेंद्रपुरी का जो इंसिडेंट हुआ है, आज के समय में अगर ऐसा होता इंटरनेट के युग में तो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में अगले दिन अखबार में छप जाता। यहाँ तो बस रेमुना में कुछ लोग को पता चला था और धीरे धीरे करके थोड़ा फैला था वो युग, जब वो पर्वत में पहुँचे, मलाया पर्वत में चंदन लेने के लिए, वहाँ पर भी खबर थोड़ी पहुँच गई थी क्योंकि पास में ही था, वो ज़्यादा दूर भी नहीं था। यश को फैलने में टाइम लगता था पहले, आज के समय में इतनी तेज़ी से यश फैलता है और इतनी तेज़ी से, और लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। तो कलयुग के बढ़ते यश का फैलना एक भक्त की भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। कई भक्त तो जो लोग यशस्वी हैं, काफ़ी उनका यश फैल रहा है, वो मेरे साथ शेयर किए हैं सब अलग अलग पॉइंट्स। एक भक्त बोले कि इतना यश फैलने से क्या होता है, आपको अपना निजी इंटरनल वर्क करना है, जो भक्ति में प्रगति होना है उसका टाइम ही नहीं मिलता। इतने लोग आपके अनुयायी आपके पास रहते हैं, आपके साथ आपसे टाइम मांगते हैं, आपसे संग करना चाहते हैं, तो आपको समय नहीं मिल पाता। एक भक्त लाया, वो अमेरिका से आ रहे थे फ्लाइट में, करीब करीब 18 घंटे की फ्लाइट थी उनकी। तो बोले प्रभु जी 18 घंटे में मुझसे 16 माला करने का टाइम नहीं मिला, मेरे को एक मिनट सोया भी नहीं मैं। क्यों? क्योंकि जब बैठता तो कोई पड़ोसी व्यक्ति आके, अच्छा आप वही व्यक्ति हैं करके उनसे बात करता, उनसे कुछ प्रश्न पूछता, उनसे ख़त्म हुआ तो दूसरा व्यक्ति आ गया, तीसरा व्यक्ति आ गया, एयर होस्टेस ही आ गई उनसे बात करने। बोले फिर उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मेरे को शांति से बैठने के स्थान चाहिए, तो उनको प्रमोट करके बिजनेस क्लास में बैठा दिया, वहाँ आस पड़ोस बिजनेस वाले लोग उनसे बात करने लग गए। उन्होंने रिक्वेस्ट करके वो कॉकपिट में जाके बैठ गए फ्लाइट के, जहाँ पे पायलट बैठते, तो पायलट भी उनसे बात करना चाहते थे, बोले हमारे भी कुछ प्रश्न हैं आपसे। तो बोले मैं पूरे रास्ते 18 घंटे की फ्लाइट ट्रेवल किया, मुझे 16 माला करने का टाइम नहीं मिला। आप सोचिए
तो कई ऐसे भक्तों का कहना है यश के कारण हम अपना जो भक्ति में हम अंदर से बढ़ रहे नहीं, बढ़ रही सोचने का ही नहीं टाइम मिलता, इतना बाह्य जीवन हो जाता है और लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की डिमांड इतनी बढ़ जाती है आपसे कि अब एक बार जब यश यशस्वी हो जाते हैं उसको बैक ट्रैक करना, उसको उल्टा कर पाना बहुत मुश्किल है। अब ये तो नहीं कि जानबूझ के कोई गलत काम करें जिससे लोग आपकी निंदा करने लग जाए और आपको भूल जाएं, ये भी नहीं करना, सही नहीं है भक्ति में। तो कई भक्त तो बहुत परेशान हो गए इस चीज़ से, क्या करा जाए, अभी इस यश का इतना फैल गया, अभी हमको अपना जिस उद्देश्य से हम भक्ति करने आए थे हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे ठीक से प्रचार के नाम पे। तो हमको कलयुग की सच्चाई को, हकीकत को थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। इस युग में प्रचार करना है, ये तो संस्था ही हमारी है प्रचार करने के लिए, लेकिन बहुत देखभाल के, धीरे धीरे, बहुत तेजी से आप प्रचार करेंगे। अंग्रेजी में कहावत होती जो लिखा होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ऐसा रोड के किनारे लिखा होता है। तेजी से चलने में अच्छा लगता है बहुत, आह तेजी से जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटना घटती है उस तेज गति से जाने में। तेजी से प्रचार करना, तेजी से यश फैलना, कुछ भी चीज़ ये सब धीरे धीरे होनी चाहिए, आराम से चलना चाहिए प्रचार को। बहुत तेजी से एक्सप्लोजन करते हैं हम प्रचार में, उसमें बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। आम को आराम से पकने दो आप, नहीं इसमें गर्माहट देंगे उसको, जल्दी से जल्दी पके, जल्दी जल्दी खाना हमें। आपने कृत्रिम रूप से पका भी दिया आम को, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, वो मिठास जो स्वतः अगर वो पकता उसमें जो मिठास आती वो मिठास। अब प्रभुपाद जी ने कितनी तेजी से प्रचार किया, उस समय एक आवश्यकता थी। और प्रभुपाद जी कौन है, आप हमारे जैसे भक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं प्रचार नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूँ संस्था को नहीं बढ़ाना, लेकिन हमें अपना जन्म सार्थक गोरी उसको भूल नहीं जाना है। तो यश के कारण, योग सिद्धियों के कारण, जैसे प्रभु जी बतला रहे थे, हम अपने पथ से पदभ्रष्ट होने की संभावना बहुत है। हम बाह्य भक्त बन के रह जाएंगे, फिर अंतर्मुखी भक्त बनना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत भक्ति में प्रगति चाहिए कि आप प्रचार भी खूब कर रहे हैं और अंतर्मुखी भी हैं साथ ही साथ, इसके लिए बहुत प्रगति चाहिए। तो साधारणतः जल्दबाजी में नए नए भक्त लोग जल्दी से अगर प्रचार के श्रेणी में उतर जाएंगे, या उनके पास कोई भगवान ने स्पेशल कुछ गुण दिए हैं उसका तेजी से उसको इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में ही भले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी जैसे ऋषभदेव, ये लोग भी मना कर रहे हैं, ऋषभदेव भी मना कर रहे हैं नहीं चाहिए मुझे योग सिद्धि। आगे पूरा उत्तर आता है ऋषभदेव का कि क्यों नहीं इस्तेमाल करी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी का, परिषद महाराज के प्रश्न का बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर जो दिया वो अलग था, हमारे सारे उत्तरों से अलग है। मैं उसको चर्चा नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि वो आगे की चर्चाओं में भक्त लोग चर्चा करेंगे उसको। उन्होंने, मैं सिर्फ बतला देता हूँ मैं क्या उन्होंने बोला। उन्होंने ये बोला कि मन बहुत खतरनाक वस्तु है। आज आपके पास योग सिद्धि है, आज आप कह रहे हैं मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ इसको, लेकिन मन इतना चंचल है, जो हमने चीज़ें चर्चा की वो सब हो सकता है मन की चंचलता के कारण, हमारा जो उद्देश्य है उससे हम भटक सकते हैं। तो उन्होंने दोषी ठहराया मन को कि आप क्यों ना कितने बड़े भक्त हों, लेकिन किसका मन किस समय किस वस्तु से विचलित हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। अपने मन पर विश्वास डालना, आगे शुद्ध गोस्वामी बतलाते हैं, एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा धोखा दे सकता है मन आपको। अपने मन पर विश्वास मत डालिए, ऐसा करके वो बोल रहे हैं आगे, वो आएगी आगे चर्चा आएगी आप लोग सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी। कोई व्यक्ति शुद्ध अवस्था में भी अपने मन पे जल्दी से विश्वास हमें नहीं डालना चाहिए कि आज मन कुछ कह रहा है कल कब बात पलट दे मन, क्योंकि हम खासकर प्रचार में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें सुन रहे हैं, किस चीज़ को सुनने से क्या इच्छा हमारे मन में आ जाए, जो बहुत सालों पहले दब चुकी थी इच्छा, पता नहीं बिलबोर्ड देखकर उसमें क्या हमें ऐसी चीज़ दिख जाए
कि हमारी पुरानी भौतिक इच्छा फिर से जागृत हो जाए। कई भक्तों ने मुझे ऐसा बतलाया है, बहुत सालों पुरानी इच्छा भी उत्तेजित हो जाती किसी व्यक्ति की कुछ बात को सुन के। मन बहुत अविश्वसनीय चीज है, किसी को भी मन पे ज्यादा विश्वास नहीं डालना चाहिए, ऐसा शिवदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं। लेकिन हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम अपने लेवल पर ला रहे हैं कि ऋषभ देव ने क्यों नहीं इस्तेमाल की योग सिद्धियां, वो एक बात है। हमारे लिए मैं दो आज प्रमुख पॉइंट पर चर्चा किया हूँ। एक कि योग सिद्धियों के माध्यम से आप भावुक लोग को ज़्यादा आकर्षित करोगे। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करी कि भावुक लोग किस प्रकार की परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, ये भी चर्चा का विषय है। आप सोच सकते हैं इसमें 7-8-10 पॉइंट आ जाएंगे कि किस प्रकार की परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं भावुक लोग। ज़्यादा आपने भावुक लोग की संख्या बढ़ा दी जिनको आप प्रचार कर रहे हैं उनकी उनको उनमें, तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो भावुक लोग। उसका सॉल्यूशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है, कि आप ज्ञान दें, लोगों को भावुक ना रखें। यही स्ट्रैटेजी थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे इंडिया को रूल करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को चेंज किया कि लोगों को सही ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। वैदिक ज्ञान जब किसी व्यक्ति को मिल जाएगा उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है फिर। तो जब तक व्यक्ति अज्ञान में है वो उसको भावुक स्तर पे आप फॉलो करा सकते हो। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो कि उसके बड़े संख्या की फॉलोअरशिप है, उसकी हजारों लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, आप देखेंगे 99.9% लोग भावुक ही होंगे, तभी फॉलो कर रहे हैं। किसी को भी किसने कुछ कुछ करके दिखा दिया, बाबा बाबा करके उसको उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे। तो हमारी संस्था में श्री प्रभुपाद जी, इसलिए हमारी संस्था को प्रभुपाद बोलते थे दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम यहाँ सही ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं, लोगों को अंधकार में रखकर हमको भावुक अनुयायी नहीं चाहिए, और जो आते भी हैं भावुकता से उनको ज्ञान दें आप, ज्ञान की तलवार उनके हाथ में दें कि वो समझें कौन कौन है। हम लोग शुरुआत में ही जब प्रचार करते हैं तो बतलाते हैं कि शिष्य की क्या योग्यता है, गुरु की क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति ज्ञान देने योग्य है। आप अपने आप को ऐसा बोलकर चैलेंज कर रहे हैं उनकी नज़रों में, कि वो आपको पूछ सकते हैं कल कि आपने बताया कि ये योग्यता होती प्रवचन देने वाले की, आपके पास वो योग्यता कहाँ है। हम पे चाहे नहीं भी हम बोलेंगे हम पे नहीं है लेकिन ये योग्यता है। उनको अंधकार में नहीं रखना चाहिए लोगों को। तो भावुक फॉलोइंग आती है जब ज़्यादा योग सिद्धियों का प्रदर्शन होता है तो, और दूसरा यश, अनवांटेड यश आ सकता है। एक है आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के फल स्वरूप यश आ रहा है, आप यश की अनुकंप याचना नहीं कर रहे, बिना याचना करे, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप उनके भक्त यशस्वी बने, तो आप क्या कर सकते हैं फिर। वो वाला यश अलग है, वो यश जो भगवान देते हैं भक्तों को भक्त नहीं चाहते हुए भी, उस यश में इतना खतरा नहीं है। लेकिन एक है कि भक्त ही कुछ चाहता है मैं यशस्वी बनूं, बहुत ट्राई किया मैंने यशस्वी बनने का, कोई तरीका नहीं, चलो साधु बन जाता हूं मैं, यहां से यश बहुत मिलेगा मेरे को, देखता हूं इतने सारे साधुओं की पूजाएं हो रही हैं। हैं कई लोग ऐसे जो साधु इसलिए बने, बहुत कुछ उन्होंने ट्राई किया, घर का अपना बिजनेस ट्राई किया, नौकरी करना ट्राई किया, हर जगह फ्लॉप हुए, चलो साधु बन जाते हैं अभी, और साधु बन के बड़े फेमस बन गए वो। तो ये धंधा अच्छा है, साधु बन जाएं आप और बड़े सारे अनुयायी हो जाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे दिन रात। तो यश के लिए कोई भक्ति कर रहा है, ये यश के लिए कोई प्रचार कर रहा है, वो यश आप ही को खा जाएगा, वो यश बहुत डेंजरस यश है। लेकिन हाँ, प्रचार कर रहे हैं यार, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन स्वतः भगवान आपको आपका यश फैला रहे हैं। जैसे भगवान चाहते थे पांडव राजा बने, भगवान चाहे उनके हमेशा चाहते हैं उनके भक्त ही लीडरशिप पोस्ट को स्वीकार करें जिससे कि धर्म का प्रचार होगा, तो साधारण स्वतः ही वो भक्त का यश फैलेगा। लेकिन वो भगवान के आयोजन से ऐसा हुआ। हृदय में हमारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम यश चाहते हैं,
ये अच्छा तरीका है यश प्राप्त करने का, वो बहुत खतरनाक है। तो हमारे लेवल पर योग सिद्धियां या कुछ भी स्पेशल गुण होना हमें समझना चाहिए, खुद के लिए हमें समझना चाहिए, थोड़ा डेंजरस है। लेकिन हाँ, वरिष्ठ वैष्णवों के मार्गदर्शन में, गुरुजनों के मार्गदर्शन में उन विशेष गुणों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं सावधानी से। ऐसा नहीं कि उनको इस्तेमाल ना करें, छोटी मोटे कुछ हमारे पास योग, जैसे मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण दिया। अब क्योंकि इस व्यक्ति के पास इतनी योग सिद्धि है कि वो इतनी सारी पुस्तकें वितरण कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं इसको नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। कुछ भक्त लोग होते हैं बहुत एक्सपर्ट मैनेजमेंट में होते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट करना बिल्कुल ऐसा है स्वाभाविक जैसा सांस लेने के समान। तो ठीक है, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी उन योग्यताओं को, लेकिन सावधानी से। उनको उनका स्टैंप ये नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छे मैनेजर हैं, हमारा स्टैंप होना चाहिए हम अच्छे भक्त हैं। पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है वो नहीं भूलना चाहिए हमें। यश ये सिद्धियों के कारण हम अपने लक्ष्य को, जो प्रभु जी ने पॉइंट बहुत अच्छा बोला ये कि अपने लक्ष्य को हम भूल सकते हैं, ये बहुत बड़ा डेंजर है सिद्धियों में, सिद्धियां होना। तो कभी सिद्धियां ना होना ये बहुत बड़ा एक वरदान है। कभी कभी भक्त लोग हताश होते हैं कि प्रभु जी ये भक्त को देखो कितना अच्छा प्रचार करते हैं, वो भक्त देखो कितना अच्छा गाते हैं, वो भक्त को देखो कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितना अच्छा पुजारी सेवा करते हैं, हमारे पास तो कोई गुण है ही नहीं, ये तो आप सौभाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको अहंकारित होने का मौका ही नहीं दिया। सरलता से अपना साधना भक्ति करते रहे, आप आसानी से शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो कोई सिद्धि ना होना ये भी बड़ा वरदान है। सिद्धियां होना और भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर पाना, ये इसके लिए सावधानी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस ट्रेनिंग चाहिए, कैसे उन सिद्धियों को सेवा में लगा पाए, नहीं तो डेंजरस हो सकता है। हरे कृष्णा। समय हो गया है, किसी का कोई एक टिप्पणी, कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। आप ही बताइए, उन्होंने मारा डंडा मारा तो क्या हुआ? बकरी जो है वो तुलसी का पौधा खा रही थी। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई वो राधा कुंड में बकरी तुलसी खा रही है, उसको हटा रहा हूँ। उनको यकीन नहीं आया कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, फिर उन्होंने टेलीग्राम देकर के पता करवाया। हाँ, तो पता लगा कि वाकई वो जो है तुलसी खा रही थी बकरी। तो उन्होंने जो है बाबा जी को जो है सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कहीं वो वैष्णव अपराध ना हो जाए, या वो उनके प्रति कोई ऐसी भावना लेकर के जाए, तो उन्होंने कभी ऐसा करके दिखाया? शुद्ध भक्त क्यों कोई ऐसी सिद्धि दिखा? बहुत ऐसे उदाहरण है। मैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य से मिला था, जो बतला रहे थे कि उनके गुरु महाराज कैसे, इनके पास एक सिद्धि थी कि एक साथ 6 लोग को वो एड्रेस कर सकते थे। एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को लेटर डिक्टेट कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति से कुछ सुन रहे हैं, चौथे व्यक्ति, एक साथ 6 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे और माइंड में 6 चीज को वो चला सकते थे साथ साथ। हम जब एक किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति से कुछ नहीं कर सकते। फिर बोले मेरे गुरु महाराज के पास पता नहीं क्या सिद्धि थी, हम देखते रह जाते थे कैसे वो 6 को हैंडल कर रहे हैं और साथ में कुछ लिख भी रहे होते थे। तो कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्त, कई बार अगर हम बारीकी से उनका जीवन देखें तो ऐसे प्रदर्शन ऑलमोस्ट रेगुलरली होते रहते हैं उनकी लाइफ से, जो साधारण आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन जैसा आपने पॉइंट बोला, वो इसका प्रदर्शन नहीं करते, दिखलाते नहीं कहा और सब आकर देखो मैं कैसे 6 चीज़ें कर सकता हूँ एक साथ। ये तो भक्तों ने अपने प्रेम के कारण नोटिस किया कि हमारे गुरु महाराज की देखिए क्या योग्यता है। ऐसे मैं कई भक्तों को जानता हूँ जिनको मैंने खुद ऑब्जर्व किए ऐसी चीज़ें जो कि ये कैसे संभव है, तो जादू हो गया। एक भक्त आए थे अपने गुरु महाराज के पास बताने कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे मैंने एक गलती की है, मैं आपके सामने आज खुलकर बोलना चाहता हूँ।
उन्होंने बहुत बड़ी कुछ गलती की थी। गुरु महाराज ने बोला मेरे को पता है, ये बात किसी को नहीं पता थी। तो वो भक्त के क्या होता है, जब ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं, उनको भगवान परमात्मा के रूप में इन उदाहरणों के जो आप उदाहरण दे रहे हैं इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो परमात्मा के माध्यम से भगवान उनको ज्ञान देते हैं। अगर आप इसको सही समझना चाहें कैसे हुआ ये परमात्मा देते हैं ज्ञान, और कभी कभी जानबूझ के परमात्मा किसी चीज़ का ज्ञान नहीं देते, जो बहुत साधारण सी चीज़ है जिसको कोई भी देख सकता है, उनको कभी कभी नहीं समझ में आता। तो ये भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कैसे अलग अलग तरीकों से उनका गुणगान करने के लिए कभी कभी ऐसा नहीं कि उनके पास हमेशा ये सिद्धि होगी कि वो जान सकते हैं कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। उस केस में जैसा आपने जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उदाहरण दिया, उस समय उस व्यक्ति के शायद वो इतने अहंकार से कुछ पूछ रहा था, पता नहीं उसके उसके इसके स्पेसिफिक इंसिडेंट मेरे को नहीं जानकारी है इस इंसिडेंट के बारे में, जगन्नाथदास बाबा जी महाराज सॉरी, कि जरूरी नहीं कि वो पता नहीं वो किस भाव से पूछ रहा था। प्रभुपाद जी कई बार अलग अलग लोगों को सेम प्रश्न का अलग अलग उदाहरण उत्तर देते थे। जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया था, व्यक्ति बोला स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए, तो प्रभुपाद जी ने अपने सन्यासी शिष्यों के बोला ये है मेरा आशीर्वाद, चाहिए क्या तुम्हें, संन्यास देने दूंगा मैं तुम्हें। ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए उसकी उसकी अपनी इंद्र भोग की इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो आया था उसको एक्सपोज कर दिया। तो अभी जरूरी नहीं हर व्यक्ति आशीर्वाद मांगना है स्वामी जी से तो इसी प्रकार से बात करेंगे वो। उस टाइम भगवान को कैसा इंस्पिरेशन देते हैं उसके उस गलत भाव को एक्सपोज करने के लिए, ये कभी कभी प्रभुपाद जी एक्सपोज ना भी करें। एक्चुअली भक्त एक परिस्थिति में कैसा बिहेव करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है ये, क्योंकि किस समय उसको क्या इंस्पिरेशन मिलता है, भगवान की सेवा करने के लिए क्या करना जरूरी है उस हिसाब से वो चलता है। लेकिन हाँ, ये कोई असाधारण चीज़ नहीं है। शुद्ध भक्त कहीं दूर की चीज़ को जानकारी प्राप्त करना या कुछ असाधारण इस प्रकार से सिद्धि का प्रदर्शन करना भक्त समय समय पर करते रहते हैं किसी एक, बट उसको प्रचार नहीं करेंगे वो, उसको प्रदर्शन नहीं करेंगे वो। जनरली भगवान कभी कभी उनके उसको प्रदर्शन कर सकते हैं उनके किसी सिद्धि को, लेकिन भक्त स्वतः नहीं चाहेंगे उसको प्रदर्शन करना। एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप ध्यान से सुन रहे थे आप।